नमस्कार, मैं हूं शिखा गुसाई और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। जालौन जिले के गोहन थाना अंतर्गत ग्राम धमरेही में दो सगे भाइयों के मामले पारिवारिक विवाद ने लिया विकराल रूप। मारपीट से शुरू हुए विवाद में चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। एक भाई ने दूसरे भाई पर किया जानलेवा हमला। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि छोटे से झगड़े को लेकर भाई ने भाई की जान लेने की कोशिश की, मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भागा कलयुगी भाई। आनन फानन में परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मामला जनपद के गोहन थाना अंतर्गत ग्राम धमरेही का है। ये जहां से आप आए, आप जो है तो हमारे आदमी ने भाई के फोरा दवा है। कौन से गांव से हैं आप? धमरेही से। क्या मामला है? सोते समय कछु मामला नहीं, बस सो रहा हूँ तो कछु बात उचित नहीं आती, वहाँ आके फोरा ही दवा है। जिसने मारा है ये हथियार से बाहर किया, उसका क्या नाम है? दर्शन सिंह। और जो घायल हुआ है उसका नाम क्या है? कल्लू। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? दी थी, अकेले वो 100 नंबर आया था। 100 नंबर वालों ने क्या कहा? दवा उधर गया। क्या इसके पहले भी ये ऐसे मतलब हरकत कर चुका है? हाँ, दो बार कर चुका। इसके पिताजी का नाम है? खत्म हो गया। जालौन उत्तर प्रदेश से सौरभ त्यागी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की ताजा खबर। देश और दुनिया की और भी खबरें जानने के लिए बनिए रहिए भारत न्यूज टीवी के साथ। धन्यवाद।